आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोतल ट्रैप की पाइपलाइन फिटिंग कैसे की जाती है और इसका पॉइंट कितने इंच पर रखा जाता है। जैसे कि आप यहां पर सामने देख रहे हैं, यहां पर झिरी हमने काट दी है और ये पाइप 4 इंच पाइप में जो आप टुकड़ा देख रहे हैं इसमें हमने 1/4 इंच की GI निप्पल को गर्म करके इसमें 2 होल कर दिए हैं। इसी में हमारे ये बोतल ट्रैप का जो वेस्ट वाटर पाइपलाइन है वो इसी में घुसा देंगे और यहाँ पर हम पाइप लगाने वाले हैं PVC पाइप जो कि 1/4 इंच में होता है। बोतल ट्रैप में आप 1/4 इंच से लेकर के 1.5 इंच तक लगा सकते हैं, 40 mm और 50 mm। तो यहाँ पर हम इसको नाप के इसकी पाइपलाइन की कटिंग वगैरह करके इसकी फिटिंग करते हैं और ये हमने साइड में आप जो PVC की 4 इंच पाइप देख रहे हैं साइड में क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेफ्टी टैंक बना हुआ नीचे और वहाँ पर है लेंटर, तो वहाँ पर PVC का 4 इंच पाइप नहीं लग सकता था तो हमने साइड में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोतल ट्रैप का पॉइंट साइड में ला लेते हैं और ये हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको टाइल वाले ने इसका लेवल जो फर्श फ्लोर लेवल है वो निकाल करके दे दिया है। अब हम उसको फ्लोर लेवल से इसका पॉइंट रखेंगे 18 इंच से लेकर आप 21 इंच तक इसका पॉइंट रख सकते हैं नीचे से हाइट उसकी। तो हम यहाँ पर इसमें फिटिंग कर देते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा जो हमारा बाथरूम में वॉश बेसन है उसका बोतल ट्रैप का पॉइंट भी हम इसी में डाल देंगे। तो आपको इस तरीके से फिटिंग करके इसमें क्लैंप वगैरह लगा देने और एक बाहर को टुकड़ा लगा देना है। तो यहाँ पर यह हमारा बोतल ट्रैप का पॉइंट पूरा कंप्लीट होता हुआ। अगर आपको इस बोतल ट्रैप के पॉइंट में कोई भी बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इसका सवाल और जवाब कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये वॉल माउंटेड सीट का की चुनाई हो गई, यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी इसमें लगा देंगे। इसका वीडियो हमने पहले भी YouTube पर छोड़ा हुआ है, आपको उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।